हमारे पास ये दो वायर स्ट्रिपर हैं अलग अलग टाइप के। ये हमारा मैन्युअली वायर स्ट्रिपर है और ये हमारा ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर है। वायर स्ट्रिपर की अगर हम बात करें तो वायर स्ट्रिपर हमारा वायर को वायर पे ये जो इंसुलेशन की परत लगी रहती है जिसकी वजह से हमें करंट नहीं लगता है, इस परत को निकालने के काम में आता है तथा वायर को काटने के काम में आता है। जैसे हमने लास्ट टाइम पे ये वाला वायर स्ट्रिपर को देखा था, तो इस वायर स्ट्रिपर की बात करें तो इसका जो ये वाला पोर्शन होता है ये वायर काटने के काम में आता है और इस वाले पोर्शन से हम वायर को छीलते हैं। छीलते हैं मतलब इस पर जो इंसुलेशन लगा रहता है उसको रिमूव करते हैं। जैसे अगर हम कटर की बात करें तो ये वायर लेके हम इसको कट कर देंगे, ये सिंपल कट कर देता है। और अगर हम इस पर से इंसुलेशन हटाने की बात करें तो ये लेके सिंपल हम इसको हल्का सा तिरछा करके जब प्रेस करते हैं। अब इस पर हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम इस पर प्रेस करते हैं, इसको जब दबाते हैं तो हमें ज़्यादा ज़ोर से इसे दबाना नहीं चाहिए। अगर हम ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे तो वायर कट जाएगा। इसे हम जब प्रेस करते हैं तो इसे हम थोड़ा स्मूथली प्यार से इसे प्रेस करना चाहिए और इसे इस तरीके से खींच देना चाहिए, तो इस पर से इंसुलेशन कट जाता है। जब हम कोई नया बंदा इस पर काम करता है तो उस कंडीशन में इसका जो मेटल होता है अंदर का तार का, ये कट जाता है। ये नहीं कटना चाहिए क्योंकि अगर वायर के टुकड़ों में अगर कट लग जाता है तो इस कंडीशन में फ्यूचर में इस पर स्पार्किंग होने की संभावना होती है जिससे कि हमारा वायर जल सकता है। ये हमारा ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर है। इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा जो मैन्युअली वायर स्ट्रिपर होता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा अलग रहता है और इसमें थोड़े इसके कंपैरिजन में एडवांटेज भी रहते हैं। सिंपल से अगर हम देखें तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्केल है, तो जितना वायर हमें काटना है मतलब जितना वायर हमें छीलना है हम उस पर सेट कर देंगे। मान के चलिए हमें 5 mm इंसुलेशन इस पर से रिमूव करना है तो हम इसको इतना सेट कर देंगे 5 mm। वायर को सिंपल लेंगे, इस पर रखेंगे और इसको रख के सिंपल इसको प्रेस कर देंगे हम। ये प्रेस करेंगे तो ये अपने आप उस उतना इंसुलेशन उस पर से रिमूव कर देता है। और इसकी खासियत ये होती है कि ये अंदर का जो कंडक्टर होता है आप इसको कितनी भी ज़ोर से प्रेस करिए, कितना भी इसे दबाइए, ये इसमें से जितना इंसुलेशन होता है इंसुलेशन ही रिमूव करता है। उसके अलावा कभी भी ये जो अंदर का कंडक्टर होता है कंडक्टर को कट नहीं करता, तो ये इसके एडवांटेज। ये इसके ऊपर इसके प्रेशर को कम या ज़्यादा करने के लिए ये इसमें ये दे के रखा है। इसको अगर हम टाइट करेंगे तो प्रेशर बढ़ाएगा ये और कम होगा। इसके अलावा इसकी मदद से हम वायर भी काट सकते हैं, जैसे आप ये वाला पोर्शन देख सकते हैं यहाँ से वायर काट बोले इसको रख के करा ये करें तो ये इसकी मदद से हम वायर काट सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा पोर्शन दे के रखा है, इसकी मदद से जैसे हम इंसुलेशन हटाते हैं, जैसे हमने इंसुलेशन हटाया जैसे ये इंसुलेशन इस पर से हमने ये किया, इसके बाद इसको इंसुलेशन को पकड़ के रिमूव करने के काम में आता है। ये सिंपल इन दोनों में डिफरेंस था हमारा इन दोनों वायर स्ट्रिपर्स में। थैंक यू सो मच।